यह इस कहानी का दूसरा भाग है। जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि वे खूनी समुद्री लुटेरे बाघ बगीरा को मारकर उसे नदी में फेंक देते हैं और उससे वह संदूक छीन लेते हैं। बगीरा को मरे हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके थे। उसका बेटा सिम्बा अब बड़ा और जवान हो गया था। शेरनी ने अपने बेटे सिम्बा का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से किया था। अभी सिम्बा एक हस्त पुष्ट जवान शक्तिशाली शेर बन गया था। शेरनी अपने बेटे बगीरा का बहुत ख्याल रखती थी। वह उसे कभी भी जंगल से बाहर नहीं जाने दिया करती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे समुद्री लुटेरे बाघ सिम्बा को भी ना मार डालें। उधर उन लुटेरे जालिम बाघों का आतंक अभी भी जारी था। वे आए दिन नदी के रास्ते से आने जाने वाले किसी न किसी जानवर का सामान लूटकर उसे मार दिया करते थे। एक दिन वे सभी लुटेरे बाघ अपने अड्डे पर उस संदूक को लेकर जमा होते हैं। तब से लेकर अब तक पिछले 2 वर्षों से वह संदूक बंद था, क्योंकि वे लुटेरे बाघ लाख कोशिशों के बाद भी उस संदूक को अब तक नहीं खोल पाए थे। तभी एक बाघ कहता है, अरे भाइयों, हमें पूरे 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यह संदूक हमसे अब तक नहीं खुला। न जाने इस संदूक में ऐसा क्या है। भाई, मुझे तो लगता है इस संदूक के अंदर कोई अद्भुत चमत्कारिक चीज रखी हुई है, या इस संदूक में कोई बड़ा खजाना भी हो सकता है। लेकिन हमें वह खजाना तभी मिल सकता है जब यह संदूक खुल जाए। भाइयों, अगर हमें इस संदूक के अंदर रखा खजाना चाहिए तो हमें इस संदूक को कैसे भी करके खोलना होगा। ऐसा कहकर वे सभी बाघ एक साथ अपनी पूरी ताकत से उस संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं, और वे अपनी इस कोशिश में सफल भी हो जाते हैं। संदूक खुलते ही उन सभी बाघों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस संदूक में एक अद्भुत जादुई मणि थी, जिसकी चमक से उन सभी लुटेरे बाघों की आंखों में चमक आ जाती है। अरे भाइयों, यह तो कोई जादुई मणि लगती है। हो ना हो, यह मणि बहुत ही कीमती है। हाँ भाई, तभी वह सफेद शेर हमें इस संदूक को देने से मना कर रहा था। लेकिन भाई, अब सवाल ये है कि हम इस मणि का क्या करें। आखिर इस मणि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक बार हमें इस मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करने का राज पता लग जाए तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और हम सभी एक सुख भरी चैन की जिंदगी जिएंगे, और हर तरफ हमारा ही राज होगा। अब सभी लुटेरे बाघ इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उस जादुई मणि की शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए। वहीं एक दिन बंटी शेर शेरनी के जंगल में उसके पास आता है और शेरनी से कहता है, शेरनी बहन, 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जादुई मणि उन लुटेरे बाघों के कब्जे में है। मुझे कैसे भी करके उन लुटेरे बाघों से वह जादुई मणि वापस लेकर आनी होगी। अगर उन बाघों को मणि की शक्तियों के बारे में पता लगा तो अनर्थ हो जाएगा। इससे पहले कि वे उस मणि की शक्तियों का दुरुपयोग करें, मुझे वह मणि हासिल करनी होगी। तब शेरनी कहती है, हाँ बंटी शेर, तुम्हें वह मणि प्राप्त करनी है और मुझे अपनी पति की मृत्यु का बदला उन खूनी बाघों से लेना है। बंटी शेर, तुम मुझे उन खूनी लुटेरे बाघों का ठिकाना दिखाओ। पूरा एक दिन चलने के बाद बंटी शेर शेरनी और सिम्बा को लेकर उन खूनी लुटेरे बाघों की गुफा तक पहुंचता है। बंटी शेर देखता है कि वे सभी लुटेरे बाघ अपनी गुफा पर ही मौजूद थे, और वहीं उनके पास ही वह जादुई मणि रखी हुई थी। यह देखकर बंटी शेर कहता है, शेरनी बहन, वह देखो, जादुई मणि बिल्कुल सुरक्षित है। लगता है इन बाघों को उस मणि की शक्तियों का पता अभी तक नहीं चला है। हमें आज रात ही इस मणि को यहाँ से उठाना होगा। तब बंटी बाघ, शेरनी और सिम्बा मिलकर उन सभी बाघों की निगरानी करते हैं, और आधी रात जब सभी लुटेरे बाघ सो जाते हैं, तब बंटी शेर चुपके से आकर वह मणि उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। तभी इतने में एक बाघ की आंख खुल जाती है। बाघ देखता है कि एक शेर मणि को उठाकर भाग रहा है। यह देखकर वह बाघ जोर जोर से दहाड़ कर अपने बाकी साथियों को उठाता है। अरे भाइयों, जल्दी उठो, वह देखो, एक दुष्ट शेर हमारी जादुई मणि को चुरा कर भाग रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। तभी सभी बाघों की आंख खुल जाती है और सभी बाघ बंटी शेर का पीछा करते हैं। उन लुटेरे बाघों को अपने पीछे आता देख बंटी शेर बहुत ज्यादा डर जाता है और तेजी से भागता हुआ सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा बेटे, अब समय आ गया है, तुम इन हत्यारे बाघों से अपने पिता का बदला लो और इन सभी खूनी बाघों का हमेशा के लिए अंत कर दो। ऐसा कहकर बंटी शेर उस मणि को सिम्बा के सर पर रख देता है। उसके ऐसा करते ही मणि की सारी शक्तियां सिम्बा के अंदर आ जाती हैं और सिम्बा बहुत शक्तिशाली हो जाता है।
तभी इतने में वे कोनी लुटेरे बाघ वहाँ पहुँचते हैं। बंटी शेर, सिम्बा और शेरनी को देखकर वे लुटेरे बाघ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अरे दुष्ट शेर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे इलाके में आकर हमारी मनी को चुराने की कोशिश की, अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले वे लुटेरे बाघ कुछ करते, सिम्बा सिर मणि की शक्तियों का प्रयोग करता है और उन सभी बाघों को एक पिंजरे में कैद कर देता है। तभी शेरनी कहती है, सिम्बा बेटे, इन हत्यारों को कैद करने से कुछ नहीं होगा। इन हत्यारों ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। जब तक ये खूनी बाघ जिंदा रहेंगे, मेरे अंदर की आग शांत नहीं होगी। यह सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों से उन सभी खूनी बाघों को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। सभी लुटेरे बाघ तड़प तड़प कर उस आग में जलकर वहीं मर जाते हैं। बंटी शेर मणि को सिम्बा से वापस ले लेता है और सिम्बा का शुक्रिया करता है। शेरनी भी अपने बेटे सिम्बा को लेकर जंगल में आ जाती है और फिर हंसी खुशी अपने बेटे के साथ जंगल में रहने लगती है। एक बार एक जंगल में तीन रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान होना। हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा, वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है, उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहां उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुंचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूं और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहां तुम्हारे साथ रह सकता हूं क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा।
तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा तो यह बात है, तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है, अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वे तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है।